हेलो दोस्तों अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में टुडे वील डिस्कस द लिटरेरी टर्म्स बिगिनिंग विथ लेटर एम एंड हियर कम्स आर फर्स्ट क्वेश्चन एन आर्टिस्ट्स और राइटर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेस्ट वर्क इट इज लेटिन फ्रेज दैट लिटरली मीन्स ग्रेट वर्क और मास्टर किसी भी राइटर या आर्टिस्ट का सबसे अच्छा वर्क जिसको कि मास्टर कहा जाता है उसके लिए यूज होने वाला टर्म है मैग्नम ओपस मैग्नम ओपस एक लैटिन वर्ड है दोस्तों विच मीन्स मास्टर पीस एक शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल जॉनरा है दोस्तों जिसमें कि राइटर अपनी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन करेक्ट यूज ऑफ अ वर्ड यूजअली द रिजल्ट ऑफ यूजिंग वन वर्ड इंस्टेड ऑफ अनदर दैट इज सिमिलर टू इट जब हम किसी वर्ड के बदले में कोई दूसरा उससे ही मिलता जुलता वर्ड बोल देते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जिससे लोगों को हंसी आती है इस तरीके के वर्ड को मैलाप्रॉपिज़म कहा जाता है दोस्तों रॉन्ग यूज ऑफ वर्ड्स के लिए मेला प्रोपिज्म का प्रयोग मैलाप्रॉप नाम की उस करेक्टर पर बेस्ड है दोस्तों जो कि हमें सेरिडन के द राइवल्स में देखने को मिलती है नेक्स्ट वन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नेम ऑफ वन थिंग इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर दैट ऑफ अनदर विद विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड फॉर एग्जाम्पल द क्राउन इज यूज टू मीन द मोनर्की। द करेक्ट आंसर इज मैटरमी फ्रेंड्स मेटानमी ही वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि हम किसी चीज़ को उससे क्लोजली एसोसिएटेड चीज़ का नाम दे देते हैं जैसे कि मोनर्की के लिए हम क्राउन का यूज कर लेते हैं जजेज के लिए बेंचेज का एजुकेशन के लिए पेन का और वॉर के लिए शॉर्ट का सेनेक्डक्की एक अलग टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों इसमें पार्ट शोज द होल होल सोज द पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ टाइप ऑफ नॉन फिक्शन नेरेटिव राइटिंग दैट इज बेस्ड ऑन दर्स पर्सनल मेमोरीज एंड टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम अ लाइफ सच एज टर्निंग प्वाइंट्स एंड टच स्टोन इवेंट्स फ्रॉम द ऑथर्स लाइफ ऑथर की लाइफ से रिलेटेड टर्निंग प्वाइंट्स या टच स्टोन इवेंट्स को दिखाने के लिए मेमवायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जिसमें राइटर अपनी मेमोरी पर आधारित स्टोरी सुनाने का काम करता है आयरनिक अंडरस्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट दिली इज कॉल्ड मियोसिस फ्रेंड्स म्योसिस इज अ काइंड ऑफ अंडरस्टेटमेंट जिसमें कि बात को बड़ा चढ़ा कर नहीं बहुत नीचा गिराकर दिखाया जाता है दोस्तों अ डॉक्यूमेंट और बुक रिटर्न बाय हैंड ड्यूरिंग द मिडिल एज ज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट मैगजिम तो एक शॉर्ट सेइंग होती है दोस्तों छोटी सी कहावत या प्रोवर्ब को मैगजिम का नाम दिया जाता है मिल्टंस कोमस इज वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मास्क सिक्सटींथ और सेवनटीन्थ सेंचुरी इंग्लैंड में मास्क एक थिएटर एंटरटेनमेंट का टाइप हुआ करता था दोस्तों जिसमें पोइट्री सिंगिंग और डेंसिंग को इन्वॉल्व किया जाता था और इस्पेशली इसे रॉयल कोर्ट में परफॉर्म करते थे ऐसा ही फेमस मास्क है जॉन मिल्टन का लिखा कोमस मिथ लेजेंड्स या पौराणिक कथा को कहा जाता है दोस्तों द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज क्वाइंट बाय द क्रिटिक ब्लैंक टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ सेवनटींथ सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स हुज वर्क वॉज करेक्टराइज बाय दी इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स सेवनटीन्थ सेंचुरी के स्टार्टिंग में आने वाले वो पोइट्स जो अपने वर्क्स में कंसीट्स का यानी कि फारफेज इमेजेज का बहुत प्रयोग करते थे उनको मेटाफिजिकल पोइट्स कहने का काम डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन ने किया था दोस्तों ये उन्होंने अपने वर्क लाइफ ऑफ द एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स के अंदर कावले की लाइफ को डिस्कस करते हुए कहा था जॉन ड्राइडन ने डन के लिए कहा था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स द ग्रीक वर्ड फॉर इमिटेशन ऑफन यूज इन क्रिटिसिज्म टू इंडिकेट एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन एज स्टेटेड इन हिज पॉइटिक्स एरिस्टोटल ने अपनी पॉइटिक्स में इमिटेशन के लिए जो ग्रीक वर्ड यूज किया है वो है मिमेसिस मिमेसिस मीनस इमिटेशन यानी कि नकल इस मिमेसिस की तो प्लेटो अपने वर्क रिपब्लिक में बुराई करता है लेकिन एरिस्टोटल अपनी पॉइटिक्स में मिमेसिस को अच्छा बताता है दोस्तों और कहता है कि इमिटेशन या मिमेसिस बहुत जरूरी है क्योंकि इमिटेट करके ही हम एक बेहतर इंसान बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अ लिटरेरी फॉर्म दैट बर्लेस्क एपिक पोइट्री बाय ट्रीटिंग अ ट्रीवियल सब्जेक्ट इन अ पोम्पस मैनर इट मोक्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल एपिक क्लासिकल एपिक की मजाक उड़ाने वाली जॉनरा होती है मोक एपिक द रेप ऑफ द लॉक बहुत फेमस मोक एपिक है दोस्तों जो कि एलेक्जेंडर पोप ने 1712 में टू कैंटोज के साथ और 1714 में फाइव कैंटोज के साथ पब्लिश किया था दोस्तों नेक्स्ट वन इज इन आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक रिकरिंग थीम और आइडिया अ कन्वेंशनल सिचुएशन और इंसिडेंट एम्प्लॉयड इन फोक लोर फिक्शन और ड्रामा इज कॉल्ड मोटिफ मोटिव वो रिकरिंग थीम या आइडिया होती है जो हमें लिटरेचर आर्ट या म्यूजिक में बार बार देखने को मिलती है दोस्तों ऐसे ही मोटिव ओबिस कापी और ओबेड हैं दोस्तों मोनोस्टिच इज अ पोयम और एपिग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री इसका मतलब मोनोस्टिच वो पोएम होती है जिसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन आती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आ रिलीजियस परफॉर्मेंसेज बेस्ड ऑन बाइबिकल स्टोरीज सच एज द फॉल ऑफ एडम एंड ईव एंड द लास्ट जजमेंट बाइबिकल स्टोरीज पर आधारित नाटकों को हम मिस्ट्री प्ले कहते हैं दोस्तों और वो प्ले जो सेंट्स की लाइफ पर आधारित होते हैं उन्हें मिरेकल प्लेस के नाम से जाना जाता है एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ मोटिफ ऊबीसंट वो मोटिफ होता है जिसमें हम पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं कापे डाइम टीज द डे इसमें कहा जाता है कि हमें मोमेंट को जी लेना चाहिए अपने समय पर आनंद ले लेना चाहिए औबेड एक तरीके का मॉर्निंग सॉन्ग होता है जो ज़्यादातर बिलवड के लिए गाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्ले इन विच द एक्टर्स यूज जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स नॉट वर्ड्स एन एक्टर हु प्लेज हिज पार्ट विदाउट स्पीकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड विद द सेम नेम द करेक्ट आंसर इज माइम माइम ही वो नाटक होता है दोस्तों जिसमें एक्टर्स सिर्फ जेस्चर्स और मोमेंट्स का प्रयोग करते हुए कहानी ऑडियंस को समझाते हैं वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते हैं इन वर्ड्स अ रिदम एस्टेब्लिस्ड बाय अ पैटर्न ऑफ सिमिलर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड मीटर मीटर उस रिदम को कहा जाता है दोस्तों जो कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स बनाते हैं द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मॉरेलीटी प्ले इज एवरी मैन मॉरेलीटी प्ले वो होता है जिसमें कि हमें कोई मॉरल मैसेज दिया जाता है और इस तरीके का सबसे अच्छा प्ले एवरी मैन है दोस्तों जो कि एक एनोनिमस वर्क है यानी कि इसके राइटर का नाम नहीं पता है ऑप्शन में आया हुआ फोर पीस एक इंटरल्यूड है जिसको जॉन हेवुड ने लिखा है दोस्तों विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच